स्वागत है आपका महाराष्ट्र बंधु में, मैं उपूर्वा शिंदे। मुंबई में 227 हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे के नाम से अपला दवाखाना का क्लिनिक खुलेंगे। उसी उदाहरण देते हुए वार्ड 225, 226 और 227 वार्ड में एक अपला दवाखाना का उद्घाटन हुआ है और उसी उद्घाटन में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राव नार्वेकर जी भी उपस्थित थे। ये ऐसे दिखाई दे रहा है कि शिंदे सरकार भी महाराष्ट्र को दिल्ली मॉडल जैसे बनाई जा रही है। जिस तरह से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया है, उसी के तरह मुंबई में भी अपला दवाखाना का उद्घाटन किया जा रहा है। स्वागत है आपका महाराष्ट्र बंधु में, मैं उपूर्वा शिंदे। मुंबई में 227 हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे के नाम से अपला दवाखाना का क्लिनिक खुलेंगे। उसी उदाहरण देते हुए वार्ड 225, 226 और 227 वार्ड में एक अपला दवाखाना का उद्घाटन हुआ है और उसी उद्घाटन में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राव नार्वेकर जी भी उपस्थित थे। ये ऐसे दिखाई दे रहा है कि शिंदे सरकार भी महाराष्ट्र को दिल्ली मॉडल जैसे बनाई जा रही है। जिस तरह से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया है, उसी के तरह मुंबई में भी अपला दवाखाना का उद्घाटन किया जा रहा है। जिस तरह दिल्ली सरकार ने चेंजेस लाए दिल्ली में, जैसे कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है जनता के लिए, और शिक्षा की बात की जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी फैसिलिटीज़ है बच्चों के लिए, काफ़ी लग्जरियस फैसिलिटीज़ दी गई है बच्चों के लिए। क्या उसी तरह महाराष्ट्र में भी जनता के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे? खैर, ये सवाल हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अभी फिलहाल अपला दवाखाना 225, 226, 227 वार्ड के लिए खुला गया है। ये दवाखाना शिवशक्ति इलाके में खुला गया है। खबरों के अनुसार पता चला कि अपला दवाखाना क्लिनिक की टाइमिंग दोपहर के 3 बजे से रात को 10 बजे तक चालू रहेगी और उसी के साथ राहुल नार्वेकर जी आश्वासन देते हुए कहते हैं कि हर एक वार्ड में एक क्लिनिक बनाया जाएगा। और आपको बताते हैं तो अपला दवाखाना क्लिनिक के अंदर 3 कैबिन्स रहेंगे। एक कैबिन में डॉक्टर्स बैठेंगे और दूसरे कैबिन में मेडिसिन मिलेगी। एक रजिस्ट्रेशन रूम रहेगा और जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, मरीजों के लिए दवाखाना में AC भी लगाया गया है। काफ़ी अच्छी सुविधा दी गई है क्लिनिक में और उसी के साथ जनता मुफ्त में उपचार करेगी और उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ भी मिलेगी। शासनाने आणि आम्ही सर्वांनी मिळून या ठिकाणी तुमच्यासाठी हा दवाखाना स्थापन केलेला आहे। त्या दवाखान्याचा फायदा घेऊन आपण आपली आणि आपल्या कुटुंबाची प्रकृती ही जपाल अशी आशा व्यक्त करतो आणि एक स्वस्थ मुंबई, स्वस्थ महाराष्ट्र आणि स्वस्थ भारत निर्माण करण्यात आपण मदत कराल अशी आशा अपेक्षा व्यक्त करतो आणि परत एकदा तुम्हा सर्वांना या सुसज्ज अशा आरोग्य व्यवस्था दवाखान्याचे शुभेच्छा देतो, आपल्याचं आपलं अभिनंदन करतो। उद्घाटनासाठी उपस्थित या विभागाचे धडाडीचे नगरसेवक श्री मकरंद नार्वेकर, या विभागाच्या धडाडीच्या नगरसेविका हर्षिता नार्वेकर, ए विभागाच्या असिस्टंट म्युनिसिपल कमिशनर आहे आणि कधी नव्हे ते मुंबईत जवळजवळ 227 असे दवाखाने उभारण्याचं आपण काम हाती घेतलेलं आहे आणि असा दवाखाना हा आमच्या कुलाब्यातही व्हावा। फक्त एका ठिकाणी नव्हे तर कुलाबा, आंबेडकर नगर, गीतानगर, कुलाबा या सर्व ठिकाणी हा दवाखाना व्हावा, कारण खरोखरच आमच्याकडे राहणारी जी जनता आहे, मग ती शिवशक्ती नगर मधली असेल, स्टील रोडांमधली असेल, अम्रपालीमधली असेल, PWD कॉलनीमधली कंपाऊंडमधली असेल, महात्मा फुले नगरमधील असेल, SRA बिल्डिंगमधली असतील, मच्छीमार नगरमधली लोक असतील, या सगळ्या लोकांना चांगलं आणि जवळच्या जवळ आरोग्य केंद्र प्राप्त करून देणं हे क्रमप्राप्त होतं, परंतु आजपर्यंत हे शक्य झालं नव्हतं। पण मी सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि सन्माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे मनापासून आभार मानतो की आम्ही केलेल्या विनंतीला मान देऊन त्यांनी त्वरित या ठिकाणी आणि कुलाब्यात इतर 3 ठिकाणी हे दवाखाने चालू करायचं मान्यता दिली आणि तसे आदेश काढून कुलाब्यात होणार आहे। याचबरोबर आपल्याला माहिती आहे, वेळेत उपचार मिळाला तर अनेक मोठे आजार आपण कंट्रोल करू शकतो, रोखू शकतो आणि त्यामुळे अगदी आपल्या घराच्या शेजारी खिशात पैसे असो अथवा नसो, आपल्याला पैशाअभावी
इलाज मिळणार नाही अशी जी धोरणा होती ती संपूर्ण पुसून काढून आता गरीबातला गरीब माणूस किंवा श्रीमंतातला श्रीमंत माणूस हा एका दवाखान्यात येऊन सर्वोत्कृष्ट अशी आरोग्य चिकित्सा आणि आरोग्य सेवा प्राप्त करू शकतो। आपल्या सर्वांना माहितच आहे जसं आपण कुलाब्यात कुठच्याही डॉक्टरच्या डिस्पेन्सरीत जातो आणि गेल्यावर 200 ते 500 रुपये खर्च करतो, आज ते न करता त्याहूनही सज्ज आणि त्याहूनही चांगली आणि आधुनिक सिस्टम ही आज आपण इकडे बसवली आहे। इकडे तुमची तपासणी होईल, तुमच्या आजारावरती ब्लड टेस्ट करायची असेल, चेकअप करायचं असेल ते पण इकडे होईल।